पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनते हुए एक बड़ा फैसला लिया। MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने पारी की शुरुआत की। बात करें अगर मोहम्मद रिजवान की तो वह पाकिस्तान के लिए साल 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान पूरी तरीके से फीके पड़ गए। उनका बल्ला पूरी तरीके से शांत रहा। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने अपनी पारी के दौरान एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया, लेकिन वह एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनकी पारी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत ज़्यादा धीमी पारी खेली। फाइनल मुकाबले में उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया और केवल 15 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद रिजवान ने अपनी पारी के दौरान मात्र एक छक्का लगाया और वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर 15 रनों पर पवेलियन वापस लौट गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर 29 रनों पर पहला झटका मोहम्मद रिजवान के रूप में लगा। मोहम्मद रिजवान क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे और अपनी टीम को साथ ही साथ अपनी खुद की पारी को भी एक बड़ी पारी में और बड़े रनों के अंबार में बदल नहीं पाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी 29 रन ही टीम के लिए जोड़ सकी। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।